नमस्कार, जस्ट ओ मनी गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आप सभी के साथ दिशा। जस्ट ओ मनी गुरु से आप सभी से मुखातिब होती हूँ। आज की तारीख है 20 जून, वार है मंगलवार। हम बात करेंगे सरसों राइस ब्रैन ऑयल जो कि तेज हो गया है, वहीं अखाल तेल में मजबूती भी देखी गई है। सप्लाई कमजोर होने से सरसों व राइस ब्रैन ऑयल में 50 रुपये क्विंटल की तेजी दर्ज की गई। बिकवाली घटने से अखाल तेलों में मजबूती का रुख देखा गया। उत्पादक क्षेत्रों से आवक कमजोर होने से लॉरेंस रोड पर सरसों के भाव 50 रुपये बढ़कर बोले गए और ये बढ़कर हुए 5,150 और 5,200 रुपये प्रति क्विंटल। देश की विभिन्न मंडियों में सरसों की आवक 5 लाख बोरी के लगभग की रही। सरसों में तेजी का रुख होने और मिलों की बिकवाली कमजोर होने से सरसों तेल 9,700 रुपये प्रति क्विंटल पर मजबूत देखा गया। दादरी मंडी में इसके भाव 9,550 रुपये प्रति क्विंटल बोले गए। राइस ब्राइन ऑयल भी आपूर्ति कमजोर होने से 50 रुपये बढ़कर 7,700 रुपये प्रति क्विंटल हो गया, जबकि रिफाइंड वालों और बिनोला तेल के भाव 50 रुपये घटकर 8,850 रुपये प्रति क्विंटल हो गया। विदेशों के मजबूत समाचार आने के कारण बिकवाली कमजोर होने से सोया रिफाइंड के भाव 9,800 रुपये प्रति क्विंटल बोले गए। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हम आपको देश और दुनिया की सारी खबरें समय समय पर दे सकें। विपर्जाय तूफान के कारण कांदला पोर्ट बंद होने से विदेशी खाद्य तेलों की सप्लाई प्रभावित हो रही है। दूसरी तरफ देखा जाए तो विदेशों में सीपीओ के भाव $920 प्रति टन पर मजबूत रहे। आयतकों की बिकवाली कमजोर होने से कांदला में क्रूड पाम ऑयल के भाव 7,800 रुपये प्रति क्विंटल बोले गए। हालांकि सटोरिया दिवाली बढ़ने से KLC में CPO अगस्त डिलीवरी के भाव 11 रिंगट बढ़कर 3,777 और सितंबर डिलीवरी के भाव 30 रिंगट बढ़कर 3,773 रिंगट प्रति टन हो गए हैं। साबुन निर्माताओं की पूछ परख बढ़ने और स्टॉकिस्टों की बिकवाली कमजोर होने से राइस फैटी के भाव 7,250 और 7,300 रुपये और एसिड ऑयल के भाव 6,650 से लेकर 6,700 रुपये प्रति क्विंटल बोले गए। आपूर्ति कमजोर होने से अरंडी तेल के भाव 12,200 से लेकर 12,300 रुपये पर टिके रहे। दोस्तों, जस्ट मनी गुरु 42 कमोडिटीज पर काम करके पूर्ण विश्लेषण के साथ आपको हर जानकारी देता है। किसी भी पेड जानकारी के लिए आप हमारे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।